Hello children, welcome to the second video of class 11th. We are studying class 11th chapter 1 of economics, that is economics and economy. In my last video I have explained you what is economics and what is economy, but today the topic which we are going to cover is what economics is all about. Children, we need to understand the official definition of economics and we need to understand its official mechanism ki kaam kaise karta hai economics aur hum isko kyun padh rahe hain, hum isko kaise apply karenge. Theek hai, before we start with this topic we need to know two things. First is, who is the father of economics? Ki father of economics kaun hai? Father of economics is Adam Smith. Adam Smith is called as father of Indian इकोनॉमिक्स. ठीक है, एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. स्पेसिफिकली इंडियन हो या वेस्टर्न हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज ही वाज़ द फर्स्ट वन टू रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिस्ट, की फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन था? ही वॉज अमृतिया सेन. अमृतिया सेन इज बेसिकली अ पर्सन, ही हैड अ टच फ्रॉम कैलकटा. He has been awarded as Bharat Ratna. In fact, he has also got Nobel Prize in the field of economics for his best contributions in the social economics. That is a type of a subject which is there in economics. Understood? So we understood about who is the father of economics, who was the first Indian economist, who contributed and who raised the flag of India in the field of economics. Right? Now let us come back to what is economics all about. सबसे पहले तो हम एक definition देखेंगे, फिर उसके बेस पे I will explain you. Okay? The first definition is that economics is a science dealing with human behavior. ये तो हमको पता है, because it deals with people and their earning. That is why it deals with human behavior. And that human behavior is concerned with allocation of scarce means. यानी वो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे डील करता है? वो इससे डील करता है, दैट इट इज एलोकेटिंग द स्कार्स मींस. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्कार्स मींस, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो आल्सो, इट इज वेल्थ. यानी आपकी अर्निंग, योर अर्निंग आर कंसिडर्ड एज स्कार्स मींस इन इकोनॉमिक्स. कभी भी स्कार्स मींस का टर्म आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, इंट्रोडक्टरी के अंदर, तो दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर वेल्थ, टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. अंडरस्टूड? यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन नेचर को रीड करता है. ह्यूमन नेचर को जब वो रीड करता है तो वो इतना एनालाइज करता है दैट हाउ ह्यूमन नेचर एक्चुअली यूजेस हिज लेस मनी और स्कार्स मींस और लेस वेल्थ टू एलोकेट और टू सेटिस्फाई हिज नीड सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. अंडरस्टूड? तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, कि हम अपनी पॉकेट मनी कैसे यूज करते हैं इन सच अ वे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड एज ऑल इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो उसका एसेंस कैरी करती है. एसेंस यानी जो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स को रियल इंपॉर्टेंस देती है, दैट इज कॉल्ड एज एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड द टू एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कार्सिटी एंड चॉइस. स्कार्सिटी यानी कमी होना एंड चॉइस यानी ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिलना. ओके, अब स्कार्सिटी क्या होता है? व्हाई डस वी फेस स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स? क्योंकि जो हमारा मींस है, दैट मींस द मींस फ्रॉम विच वी कैन बाय रिसोर्सेस, वो तो खुद ही स्कार्स है. हाँ या ना? व्हेन द मींस आर स्कार्स देन ऑब्वियसली, जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो अल्टीमेटली यू नीड टू मेक अ चॉइस कि आपको वो खरीदना है या द अदर थिंग यू हैव टू परचेज. Understood? So scarcity is the essence of economics. अगर scarcity नहीं होगी तो human behavior will not think about allocation of resources or maximum satisfaction. है ना? Imagine करो ना, you have unlimited money, तो आप सोचोगे क्या कि कौन सी चीज कब buy करनी है, कौन सी चीज कब buy करनी है? When you know that you have unlimited money, you will purchase it without giving a second thought. But when you have scarcity, यानी जब आपके पास wealth बहुत limited होता है, then definitely you need to think about where you want to invest the money to achieve maximum satisfaction. Understood? So the main essence of economics is scarcity and choice. Now what is scarcity? Scarcity means what you have, यानी जो आपके पास है, is less than what you wish to have. Understood? For example, if mama has given you a pocket money 100 rupees ki jao beta go and enjoy on your birthday, but you want a big chocolate cake, decorated your photo on that cake and all that, so that you cannot purchase. No, so what you have is less than what you wish to have. 100 rupees mein you will not get that cake.
decade. So that means that is scarcity. Understood? Scarcity is seen everywhere because human beings are not a person or are living things which get satisfied with what they have. Always you will feel scarcity in life. If you are a millionaire, आपको लगेगा billionaire बन जाए. Billionaire होगे तो आपको लगेगा trillionaire बन जाए. और आपको अगर लगता है कि trillion नहीं, multi millionaire या फिर हमारा नाम Forbes में आ जाए, या फिर हमारा नाम World Bank के top economists में, top rich peoples में आ जाए. So that is all urge. क्योंकि हमें पता है कि human wants जो है वो unlimited है. आप human wants को satisfy नहीं कर सकते. And because human wants are unlimited, hence whatever you have, आपको वो सब कुछ कम लगता है. Yes or no? If I have a salary of 50,000, तो मुझे लगेगा नहीं अगले साल 1 lakh हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए. Yes or no? If I have a subscriber that is 180, मान लो 180 subscribers है, तो मुझे लगेगा 1 lakh subscribers हो जाए तो इस बार मजे आ जाएंगे. This year is very good. Understood? So that is because scarcity is there. Scarcity कब होती है? जब हमारी wants unlimited होती है. Understood? The definition of scarcity is, scarcity means what you have is less than what you wish to have. यानी जो आपको चाहिए उससे हमेशा आपका कम रहता है रिसोर्स. So that is called as scarcity. अब जब scarcity होती है तो ultimately आपको क्या करना पड़ता है? आपको choose करना पड़ता है. है ना, चूज करना पड़ेगा ना कि मम्मी ने 100 rupees दिए, एक तरफ आपका केक है और एक तरफ फ्रेंड्स के साथ कोको कोला और चिप्स की पार्टी है. तो यू हैव टू एक्चुअली चूज कि केक मेरे को अकेले कट करना पड़ेगा, फ्रेंड्स को भी नहीं बुला पाऊंगा, मम्मी हैज गिवन मी अ चॉइस, या तो केक ले लो या फ्रेंड्स को बुला के चिप्स और इसके साथ पार्टी कर लो. तो यू हैव टू एक्चुअली चूज एंड यू एंड अप चूजिंग योर फ्रेंड्स. ऑब्वियसली उनके बिना मजा नहीं आता, राइट? सो दैट इज चॉइस. सो स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस. इनफैक्ट स्कार्सिटी को हम कह सकते हैं समझ में आया कि चॉइस जो है वो स्कार्सिटी से ही निकलती है. अगर पैसा कम है तो वी टेंड टू मेक चॉइसेस जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. ओके, और चॉइस को व्हाट वी कैन से चॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. हम प्रोसेस करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स का. हम सोचते हैं कि कौन सा जरूरी है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं तो चलो इस महीने हम अवॉइड कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ हम इसको अफोर्ड कर लेंगे. अभी वी टेक दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट विच विल गिव यू सेटिस्फेक्शन. अंडरस्टूड? तो चॉइस जो है वो एक प्रोसेस है जहां पे हम रिसोर्सेस को सेलेक्ट करते हैं. नाउ रिसोर्सेस कैसे होते हैं, क्या नेचर होता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चॉइस. कैसे? देखो, रिसोर्सेज वी ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 10 ज्योग्राफी दैट रिसोर्सेज आर ऑल्सो स्कार्स. ऑल्दो दे आर अनलिमिटेड बट इन केस वी डू नॉट यूज दम इन अ प्रॉपर मैनर दे ऑल्सो बिकम स्कार्स. जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एयर है. तो तुम कहोगे मैम एयर तो फ्री है ना, कितने भी यूज कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है. बट देन यू सी दिस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग, हम कॉन्स्टेंटली ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं कि एयर कितनी भी है हम कैसे भी यूज कर सकते हैं. तो वेन वी नॉर्मली यूज व्हीकल्स इन अ कॉन्सिक्यूटिव वे और इन अ लॉन्ग टर्म, तो क्या होता है, एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है. तो अल्टीमेटली वो वाली जो क्वालिटी, जो एयर हमें गिफ्टेड थी बाय मदर अर्थ, दैट इज गेटिंग रेड्यूस्ड. सो दैट मीन्स की रिसोर्सेज जो है वो भी स्कार्स है, और जो भी स्कार्स होते हैं उनके सबके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो आपको चॉइस उसी हिसाब से करनी है दैट द रिसोर्सेज आर स्कार्स आल्सो एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज आल्सो. हर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है. फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लें, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड ऑल, बट इज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड? आई बात समझ में? वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नॉर्मली हम रेन वाटर को किसके लिए यूज करते हैं? हम रेन वाटर नॉर्मली गोज ऑन द ड्रेन्स एंड पीपल यूज इट टू एक्चुअली इरिगेट देयर फील्ड्स, बट रेन वाटर को हम टू रिस्टोर ग्राउंड वाटर भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी इज फॉर प्रोवाइडिंग डे एट ऑल आवर प्लेसेस, राइट? एंड इट ऑल्सो गिव्स अस विटामिन डी. बट उसके अलावा ऑल्टरनेटिव यूज क्या है? टूडे वी आर एक्चुअली यूजिंग इट एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम बहुत स्कार्स है. जो चीज स्कार्स है उसका ऑल्टरनेटिव यूज निकालना ही पड़ेगा, एंड दैट लीड्स टू चॉइस. अंडरस्टूड? What is the essence of economics and what is economics? So I'll revise again. It is a science dealing with human behavior where human जो है they tend to allocate their scarce means, यानी बची कुची जो उनके पास earning होती है, they actually assign them in such a way कि उनको maximum
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. अंडरस्टूड, दैट इज ऑल कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को हैंडल करने वाला या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस देने वाली दो चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्कैसिटी एंड चॉइस. नाउ व्हाट इज स्कैसिटी? स्कैसिटी मींस किसी चीज की कमी होना. एंड यू ऑल नो व्हाट इज स्कार्स इन आवर लाइफ, दैट इज आवर वेल्थ. वेल्थ कैन नेवर बी अनलिमिटेड बिकॉज आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. जितना भी आप वेल्थ ले लोगे उतना आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे बिकॉज हमेशा आपको लगेगा कि व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव. अंडरस्टूड? यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू विश टू हैव. अंडरस्टूड? ये इक्वेशन हमेशा ऐसी ही रहेगी, इसमें इक्वल्स कभी नहीं आ सकता. अंडरस्टूड? इक्वल तभी आता है when you have given up everything and you have turned up into a saint or something like that. Otherwise, if you are a normal human being, you are leading a good life and you have aspirations in your life, then this sign will never be turned into an equal one. Understood? Now choice. Choice is outcome of scarcity. जब चीज की कमी है तो obviously आपको choose करना पड़ेगा ना कि cake लें या chips की party करें. Understood? मम्मी ने option दे दिया, बेटा birthday पे देख लो तुमको क्या चाहिए. Yes or no? So you have to actually choose कि ये ले लूँ, नहीं नहीं ये तो रहने दो, वो ही ले लेते हैं. That is better. That will give your mammy a maximum satisfaction. So that is choice. Choice leads is coming out of scarcity. Okay. और choice क्या है? It is a process of selection of resources. आप process देखते हो resources का कि ये मेरे पास कम है और इस resource को मैं alternatively use करके arrange कर सकती हूँ. तो मेरे पास जो कम है मैं वही लूंगी. सो दैट इज चॉइस. अंडरस्टूड? दिस इज द नेचर ऑफ रिसोर्स विच हेल्प्स इन मेकिंग अस द डिसीजन मेकिंग. तो चॉइस से हमें अल्टीमेटली क्या पता चल जाता है? चॉइस से हमें ये पता चलता है दैट वी आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. जैसे ही हम चॉइस करते हैं हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, पहली चीज. दूसरी चीज, हमारी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इंक्रीज हो जाती है. होती है कि नहीं होती है? आपको जब लाइफ में दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना पड़े एंड व्हेन यू चूज इट तो आपको लगता है हाँ मैंने डिसीजन लिया, आई हैव टेकन दैट डिसीजन. सो चॉइस इंक्रीजेस योर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. इट ऑल्सो गिव्स यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड इट ऑल्सो एलोकेट्स योर रिसोर्स इन सच अ वे दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर यूज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड with this topic that what economics is all about. In my next video, I will be covering the difference between micro and macro economics. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.